प्रोमो रिलेशनशिप आज हम डिस्कस करेंगे जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सेकंड टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में, जो भी मतलब एग्जाम होता है, जैसे कि एसएससी जेई हो या नॉन टेक्निकल, जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर इंजीनियरिंग का टॉपिक है तो 3 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं, बस मुझे थोड़ा सा ऐसे अगर आप माइंड में सोचिएगा तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आप वहाँ पे उस क्वेश्चंस को करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। हमें क्या करना है, बस उसे एक स्टेप में डिवाइड कर देना है, उसके बाद चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा रिलेशन हो, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, क्या करते हैं कि हम जितना भी रिलेशंस है उसको 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टेप में आता ही नहीं क्वेश्चंस है। क्या होता है, सबसे पहले एक स्टेप ये है जो उसके अंदर ग्रैंड मॉम, ठीक है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मॉम मतलब दादी दादा नाना नानी इसके अंदर आ जाएंगे। जो सेकेंड स्टेप होगा वो फादर मदर आंट अंकल, ठीक है, फादर मदर आंट अंकल जो भी है ये सारा इस स्टेप में आ जाएंगे। थर्ड स्टेप होगा वो होगा सन डॉटर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, 3 स्टेप में हम किसी रिलेशन को डिवाइड करेंगे। जो भी ग्रैंड फादर ग्रैंड सन का रिलेशन होगा उसको सबसे ऊपर, इनके जो जो भी लड़के होंगे मतलब द सन ऑफ ग्रैंड फादर दैट इज फादर एंड द सन ऑफ फादर दैट इज सन, तो इनके फादर ये और इनके फादर ये, 3 स्टेप, इस 3 स्टेप से ज़्यादा अभी तक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अब ग्रैंड फादर में जैसे फादर, अब फादर में फादर इन लॉ भी होते हैं, तो सारा को हम इसी में रखेंगे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ या जो भी है, सन डॉटर ब्रदर सिस्टर, इसमें जैसे अंकल है आंटी है, अब पेटर्नल जैसे जो फादर होते हैं, पेटर्नल और मेटर्नल दोनों अलग अलग होते हैं, कि अगर अगर वाइफ के फादर हैं दैट इज मतलब सॉरी हाँ वाइफ के अगर फादर हैं दैट इज मेटर्नल फादर, अगर अगर फादर के सॉरी ठीक है मेटर्नल और पेटर्नल, आप ज़्यादा उस पर अगर नहीं भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेटर्नल और पेटर्नल अथी सॉरी पेटर्नल से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ऐसे मेटर्नल बोला जाता है कि जो रिश्ता जो रिलेशन माँ के तरफ से है, मदर के तरफ से है, दैट इज आपके नाना नानी जो भी है, तो वो माँ के तरफ से रिलेशन है दैट इज मेटर्नल। जो रिलेशन आपके फादर के तरफ से है दैट इज पेटर्नल, जैसे फूआ फूफा दैट इज पेटर्नल, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक कोड कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो मेल और फीमेल, तो हम पूरा जो भी अभी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हमें मेल और फीमेल आएंगे, दो ही तरह के होते हैं, तो हम बस एक कोड के लिए हम लिख लेते हैं कि मेल को, मेल जो होगा उसको हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स से इंडिकेट करेंगे, और जो फीमेल होंगे उसको हम सर्कुलर बॉक्स से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना है, जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाए कि ये मेल है या फीमेल है तब तक हम उसको बॉक्स से इंडिकेट नहीं करेंगे, चाहे वो नाम आपको ऐसा नहीं हो कि कहीं रमेश लिखा हुआ है कहीं महेश लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं हमें मेरा दोस्त है रमेश, तो हम उसका नाम मतलब ऐसा नहीं कि उसे लड़का एज्यूम कर लेना है या मेल एज्यूम कर लेना है, हमें जब तक वो ये नहीं बताए कि रमेश एक लड़का है, क्योंकि रमेश लड़की भी हो सकती है, ठीक है, नाम ही है कुछ भी हो सकता है, तो और ऐसा होता भी है क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा कि आप इस तरह से नाम होगा कि आप मतलब आपको लगेगा ये लड़का ही होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब तक कन्फर्म ना हो तब तक आप उस क्वेश्चंस में उसे इंडिकेट मत कीजिएगा कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। अब जैसे एक थोड़ा सा टॉपिक बताते हैं कि मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में क्या है कि दादा दादी हैं, उस उनके दो बेटे हैं, उनको दोनों के पत्नी भी हैं, और उन दोनों से दो दो बच्चे हैं मतलब दो भाई और दो बहन नीचे हैं। देखते हैं मान लीजिए ये क्या थे, एक चीज और मेल फीमेल, अब एक और रिलेशन याद रखेंगे ब्रदर सिस्टर का। अगर रिलेशन ब्रदर सिस्टर का हो, ठीक है, तो ब्रदर ये हो गया मेल और ये हो गया सिस्टर, मेल और फीमेल, तो इसको हम क्या करेंगे,
ये एरो से इंडिकेट करेंगे दैट इज ब्रदर सिस्टर, इस तरह से उसका रिलेशन बनाएंगे। अगर वो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, अगर वो रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का हो तो हम उसको, ये हस्बैंड वो भी मेल हो ये फीमेल, तो उसको हम ये इंडिकेशन करेंगे। बस थोड़ा सा इंडिकेशन याद रखना है कि अगर ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो तो हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, अगर हस्बैंड वाइफ का हो तो हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर एक फैमिली नॉर्मल फैमिली अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे दिस वन, इनको मान लेते हैं ये दादा दादी हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी, तो पति पत्नी है तो दिस वन इज, ठीक है। इनके अब आप कहीं से भी एरो बना सकते हैं, इधर से या इधर से, कहीं से एक एरो बना लीजिए, नीचे ड्रॉ कीजिए। अब इनके दो लड़के हैं, तो इनके अगर दो लड़के हैं और एक लड़की है, तो दो लड़के एक दो और एक लड़की, अब क्या है, ये तीनों भाई बहन है, तो तीनों भाई बहन है तो इसका इंडिकेशन कैसे होगा, दिस वन, कि ये इसके भाई, ये दोनों तीनों भाई बहन है। अब इनकी शादी हो चुकी है, तो अगर इनकी शादी हो चुकी है तो इनकी पत्नी भी होगी, इनकी भी पत्नी है, आप थोड़ा सा इसको दूर कर दीजिएगा, इनकी भी पत्नी है और इनके हस्बैंड भी है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया कि इनके जो दादा दादी हैं उनके तीन बच्चे हैं, तीनों की शादी, अब तीनों से, तीनों के अगर बच्चे मान लीजिए दो दो बच्चे हैं, तो आप किसी एक में जाके, अब जैसे एक लड़का है एक लड़की है, इनके भी एक लड़का है एक लड़की है और इनके भी एक दो लड़का ही मान लेते हैं, तो दोनों का हमें क्या करना, बस रिलेशन बनाना है कि ये दोनों भाई बहन हैं या भाई भाई हैं। तो अब इसमें से किसी एक का रिलेशन पूछेगा कि जो ये है, मान लीजिए ये जो सी है या डी है, ये जो डी है तो डी, अगर ये ए है तो ए के कौन से रिलेशन है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही एक स्टेप ऊपर गए तो हम ये या तो फादर होंगे या अंकल होंगे, ठीक है, यही होंगे, चाहे वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ या जो भी होंगे, तो इनके क्या है कि इनके जो ए के फादर के सिस्टर के हस्बैंड है, मतलब क्या हो गया कि वो, उनको हम बोलते हैं अंकल, मतलब फादर के सिस्टर के हस्बैंड, मतलब फूफा जी, तो फूफा जी आपको क्या लगेंगे, आपके उनको बोलेंगे अंकल है। तो सिंपल बेसिक यही है फंडा कि आप चाहे वो कितना भी रिलेशन बड़ा हो, केवल हमें ये एरो किस चीज़ के लिए है, मतलब ये इंडिकेशन को मेंटेन रखना, जब भी हमें रिलेशन पता चल जाए कि रिलेशन या तो फादर या ब्रदर सिस्टर का होगा या पति पत्नी का होगा, तो हम उस केस में हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा बस यही ट्रिक समझना है कि हमें कैसे करना है, तीन स्टेप में बस डिवाइड कीजिए क्वेश्चंस को, हम उसको रहने देते हैं। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है एग्जाम में, उसी को करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, पॉइंटिंग पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑफ पर्सन, ठीक है, अ मैन सेड टू अ वुमन, वुमन, अ मैन सेड टू अ वुमन, अब क्या बोलता है, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ, हिज मदर इज ओनली डॉटर, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन, हाउ द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स, अब जो क्वेश्चन अभी जो आते हैं आपको ऐसा नहीं होगा कि फादर जो भी रिलेशन है बेसिक रिलेशन, आपको बोलेगा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फिगर या पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, कि हम किसी ने एक लड़के को देखते हुए बताया। तो यहाँ पे क्या है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, तो मतलब किसी पर्सन की तरफ। अब वो पर्सन की तरफ, मान लीजिए पर्सन को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। Pointing towards a person, a man said to a woman, एक मतलब एक man है जो woman कहता है, his mother, अब his, अब यहाँ पे लिखा हुआ his, अब his किसके लिए लगता है, male के लिए, तो हम जैसे ही his हो गया तो ये जो person है वो male है। his mother, अब इसकी माँ, तो हम इसकी माँ को सबसे पहले, जो जैसे जैसे step by step बोलते जाएगा हम उसको करते चले जाएंगे। थोड़ा सा इसको नीचे draw करते हैं। अब मान लेते हैं ये person है, हिज मदर, मदर फीमेल, ठीक है, एक स्टेप ऊपर चला गया। हिज मदर इज ओनली डॉटर, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, ठीक है। अब क्या बोला, शायद ये छोटा पड़ जाएगा, ठीक, कोई नहीं। हिज मदर, इसकी माँ, ओनली डॉटर, अब किसी की इकलौती बेटी है। हिज मदर, His mother is only daughter. तो हम इसकी भी माँ होगी कोई ना कोई, तो हम इसकी माँ के लिए यहाँ पे फोटो बनाते हैं। His mother is only daughter of, okay, father यहाँ पे। His mother is only daughter, इकलौती बेटी है, ऑफ योर फादर, मतलब तो कोई पर्सन है, कोई पर्सन है उसके फादर की इकलौती बेटी है, तो मतलब यही हो गई। मतलब जो इसको इशारा कर रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, ए मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो ये इसकी बेटी हो गई। तो ओवरऑल क्या पूछता है कि हाउ द वुमन रिलेटेड टू पर्सन, तो वो वुमन, जो वुमन है वो पर्सन से किस तरह रिलेटेड है, ओमेन है पर्सन से रिलेटेड किस तरह है, तो ये ओमेन इस पर्सन की क्या हो गई, मदर। ये पर्सन इसकी क्या हो गई, मदर। अगर इसी तरह हम अगर सेकेंड क्वेश्चन देखें, अगर हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखें, अब जो ये सेकेंड क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, कोई फोटोग्राफ में कोई लेडीज है, तो लेडीज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेडीज का ये बना लेंगे कि पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, सालू सेड, तो कोई सालू है, ठीक है, हमें पता नहीं है क्या है, लड़का है लड़की है, सिंपल है। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, सालू सेड, हर सॉन्स, हर सॉन्स फादर, अब इसके सन, मतलब हर सॉन्स फादर, मतलब हर सॉन्स फादर कौन होंगे, हस्बैंड, इसके हस्बैंड, हर सॉन्स फादर, मतलब ये दोनों पति पत्नी, सॉन्स फादर इज द सॉन इन लॉ, अब ये फादर की बात कर रहा है कि जो ये फादर है इसके, ये सॉन इन लॉ ऑफ माय मदर, मतलब जो सालू है, सालू के मदर, सालू के मदर के सॉन इन लॉ, सॉन इन लॉ मीन्स क्या हो जाएगा, दामाद। तो अब मतलब क्या हो गया कि अगर हम सालू को यहाँ पे लिखते हैं, ये अगर सालू है, ठीक है, सालू पता नहीं मुझे क्या है इसके, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या होगा, या तो भाई बहन होगा या बहन बहन होगी, क्योंकि इसकी सॉन इन लॉ है ये, तो या तो ये दोनों बहन, सॉरी भाई बहन के लिए एरो ये होगा, ठीक है। तो पूछता हाउ द सालू रिलेटेड टू, हाउ द सालू रिलेटेड टू द लेडी, उस लेडी से, तो ये लेडी से किस तरह से रिलेटेड है, सालू किस तरह से रिलेटेड है, हाउ द सालू रिलेटेड टू द लेडी, ठीक है। तो ये क्या है इसकी, या तो होगा ब्रदर,
या होगा ऑप्शन में सिस्टर, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि ये सालू लेडीज है या जेंट्स है। तो जो अगर सिस्टर ऑप्शन होगा तो सिस्टर मारेंगे, अगर ब्रदर होगा तो या तो दोनों बोथ होगा तो हम वहाँ पे बोथ। लेकिन जब तक हम कन्फर्म नहीं होंगे कि सालू लेडीज है या जेंट्स है, तब तक हम उसको ब्रदर या सिस्टर, या अगर ऑप्शन मतलब अगर ब्रदर भी है सिस्टर भी है और नॉन ऑफ दीज है तो वहाँ पे, या मतलब एक और ऑप्शन होता है, हाँ नॉन ऑफ दीज भी होता है, तो हम वहाँ पे नॉन ऑफ दीज मारेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि सालू क्या है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, स्टेप में ही रहेगा, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग रीना, क्या है इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड। अब कोई गर्ल्स है रीना, सॉरी यहाँ पे मतलब मुझे अभी तक पता नहीं गर्ल्स है बॉय है। इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड, अब कोई लड़की है या लड़का है पता नहीं, मोनिका सेड सी, अब बोल दिया कि सी किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, रीना को, तो सी मीन्स रीना इज गर्ल्स। तो इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड सी इज ओनली डॉटर, सी इज ओनली, एक स्टेटमेंट है ओनली डॉटर मतलब क्या, इकलौती बेटी है। सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स, ओनली डॉटर मतलब जो मोनिका के, तो मोनिका की मैम पहले मोनिका के क्या है, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब मोनिका बोल रही है कि मोनिका के जो फादर हैं, मोनिका माई फादर ओनली डॉटर, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। अब मोनिका के फादर की इकलौती बेटी, तो अगर मोनिका के फादर की इकलौती बेटी, तो क्योंकि इकलौती बेटी है तो वो क्या खुद ही हो जाएगी इकलौती बेटी की बेटी है, मीन्स ये, तो ओवरऑल ये मोनिका के फादर और ये मोनिका की क्या हो गई बेटी रीना। तो हाउ मोनिका रिलेटेड टू रीना, तो मोनिका क्या है रीना की, इज द मदर। ठीक है, तो केवल क्या है थोड़ा सा आपको स्टेप को ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा स्टेप को कहाँ पे लिखना है, बाकी और अभी जो जो भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पहले था कि सिंपल कि व्हाट इज द अंकल रिलेटेड द अंकल्स मदर, या जो भी है अंकल के मदर के या फादर के मतलब बेटे के लड़के या जो भी हो, तो उस तरह से क्वेश्चन आते थे। अभी क्या है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है, आपको यही आएगा कि इंट्रोड्यूसिंग टू रीना या पॉइंटिंग टू अ फिगर, तो इस तरह से क्वेश्चंस आता है। तो थोड़ा सा पहले जो क्वेश्चंस का लेवल था वो कम था, अभी का क्वेश्चंस का लेवल है उससे थोड़ा टफ हो गया है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, और जो ये मेल और फीमेल का जो आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं हो तब तक हमें क्वेश्चंस में क्वेश्चन के रिजल्ट पे नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप वहाँ पे नहीं बता सकते हैं, और आपका ऑप्शंस भी उस तरह से होगा कि अब एक चीज क्वेश्चन से क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा हाउ मोनिका रिलेटेड टू रीना, अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन दोनों होगा, मदर भी होगा और डॉटर भी होगा, एक ऑप्शन मदर भी होगा और डॉटर भी होगा, ठीक है जो भी है डॉटर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ये स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आया कि मोनिका रीना से किस तरह से रिलेटेड है, अगर आप ये उल्टा समझ गए कि रीना मोनिका की क्या है या मोनिका रीना की क्या है, माँ और बेटी दोनों का रिलेशन है यहाँ पे, तो ये बात को भी ध्यान में रखना है कि मोनिका रीना से किस तरह रिलेटेड है, तो मोनिका रीना की माँ है। अगर यही होता हाउ रीना रिलेटेड टू मोनिका, तो आप वहाँ पे क्या लिखते डॉटर का रिलेशन है, तो वहाँ पे आंसर होता डॉटर, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसी तरह से आपका क्वेश्चन है तो आप उस पर ऊपर आप कहीं नेट से उठा लीजिए या आपके पास कोई भी बुक है तो वहाँ से उठा के और इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, देखते हैं आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।